रजनी वाले कोहरा बस मस्त वाला चला है। अब होगी पहाड़ों में तगड़ी वाली ठंडी। सूरज देवता यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन कोहरे की वजह से ढगे पड़े हैं, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। चारों तरफ कोहरा कोहरा कोहरा, तो ठंडा तो बनता है जब कोहरा लगाए तो। करो तो आपके मुझे धुआं आ रहा है। आज ठंडा ज्यादा हो रहा है ना, तो नैनू स्कूल जाने लग गई जॉकेट पहन के। फिलहाल मौसम तो 9 बजने वाले हैं, अभी वैसा ही है, 8:30 भी हो गए हैं। और नैनू देखो, मैं पहुंचाने जा रही हूँ निकी को स्कूल। स्कूल पहुंचा के आते हैं, फिर देखते हैं मौसम कभी खुलेगा खुलेगा या नहीं भी खुलेगा। फिलहाल यहाँ ना जहाँ पे नैनू खड़ी है वहाँ से इधर को ना ये छोटे छोटे पाले के छिटके आ रहे हैं। जब हम अपने टाइम पे स्कूल जाते थे ना, तो ऐसे में हमारे यहाँ बालों में ऊपर पाला पड़ा ही रहता था, तो जैसे कि थोड़ी थोड़ी सी बर्फ टिकी रहती थी वैसे दिख रहा, लेकिन वीडियो कैमरे में तो दिख नहीं रहा है। यहाँ ठंडा ठंडी भाप पे निकल रही, जैसे हल्की हल्की पानी की बूंदें निकलती है। अभी धूप आएगी तो सब साफ हो जाएगा। चलने चलते हैं। बर्फ आ रही है, हाँ ये बर्फ ही तो आ रही है आपके वहाँ। चलो चलते। तो मैं निक्की को पहुँचा आ गई हूँ, तो इतने में सांस फूलने लग गई। मुझे रास्ते में पेपर मिला था, क्योंकि निक्की के पापा सुबह का नाश्ता बना रहे हैं, मतलब निक्की के लिए तो उन्होंने बना दिया है। अब थोड़े से जो बर्तन बचे हैं धो रहे हैं, क्योंकि सुबह का काम थोड़ा हल्का कर देते हैं, फिर इसके बाद दिन भर में करूँगी आराम से। बाकी निक्की को तो मैं छोड़ा ही, निक्की बाकी से साथ जाती नहीं है स्कूल, इसलिए मुझे ही छोड़ना पड़ता है। तो अभी मैं नाश्ता बनाऊँगी निक्की के पापा ने खुद के लिए। आजकल तो छोटे दिन हो गए हमारे पहाड़ों में, बोलते हैं दाल भात वाले दिन, क्योंकि एक टाइम 10-11 बजे खाओ फिर भूख नहीं लगती, शाम को जल्दी 5:30 बजे अंधेरा होने लग जाता है। फिलहाल जो मैं कल दिखा रही थी आपको, पिथौरागढ़ के कबाड़ के गोदाम में लगी आग, 4-5 दुकानें जली, मतलब बहुत तेज़ आग लगी थी। अब कबाड़ आप समझ ही सकते हैं, पेटी या फिर बहुत ऐसे कबाड़ में ऐसे सामान होता है जो जल्दी जल जाते हैं, तो उस वजह से आग रुक नहीं पाई, क्योंकि वहाँ बहुत सारी भीड़ हुई थी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी थोड़ी बहुत दिखाई थी, वीडियो तो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन मैं वीडियो बना ही रही हूँ, तो मैंने सोचा ये सूचना भी दे दूँ। बाकी चलो नाश्ता पानी बनाते हैं और देखते हैं दिन भर में हम क्या करेंगे, धूप खिलेगी नहीं खिलेगी, बाकी देखते हैं जो भी होगा। वीडियो पर बनी रही आप। दोस्तों ना दोपहर के 1 बज गए हैं, निक्की भी हमारी स्कूल से आ गई है। अभी तो हमारी खिलखिलाती हुई धूप खिल गई है, सुबह तो ठंडा हो रहा था, सुबह शाम अब ठंडा बढ़ गया है, कोहरे का मतलब कि ठंड बढ़ गई है। नैनू स्कूल से आके अब खेल रही है, थोड़ी देर होमवर्क भी करेगी, और नैनू का लुक कुछ ऐसा है, लेकिन इसने अपने बालों में ना तेल कुछ ज़्यादा डाल दिया, ये डालती नहीं है, तो हमारे बुबू लोगों ने मतलब नीचे बुबू ने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। फिलहाल ऐसा है, मौसम दिखाऊँ तो ना, अभी देखिए बहुत प्यारी धूप खिली है, सुबह तो कोहरा ही कोहरा था और अभी सारा मौसम साफ है। और दूं हाथ में ले ले जा जी। तो दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं, दियावाती हो गई है, निक्की मेरे को बबूती लगा रही थी, तो मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ। और ऐसे है उन मुझे ना आज काजू कतली मिठाई भी मिली थी, मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो दीपावली की मिठाई काजू कतली मिली है मुझे, मम्मी की बुआ आए थे वो दे के गए हैं। तो फिलहाल मैंने दियावाती शाम की कर ली है यहाँ पे, और नैनू ने भी नैनू जितनी बबूती बचे ना तो मेरी मेकअप कर लेती है हमेशा, तो नैनू आजकल थोड़ा कम लगा रही बबूती, बीच में तो बहुत ज़्यादा लगाती थी, आजकल कम कर दिया इसने। आजकल अब बड़ी होती है तो थोड़ा बहुत नाच वाच में रह जाती है, फिर कर नहीं पाती। दियावाती हो गई है, खाने पीने की तैयारी करते हैं, तैयारी करी क्योंकि हमने सुबह नाश्ता कर लिया था, तो फिर दोपहर में कुछ खाया नहीं नैनू ने भी। अब नहीं काजू कतली खाएगी और खा ले नैनू सोचती है सब कुछ दिखाऊं, काजू भी दिखे ना निकी मैं नहीं भी दिखाना चाहूँ तो नैनू तो कह ही देती है। काजू कतली कुछ हमने खा ली, थोड़ा मंदिर में रखी है, बाकी नैनू ने फिर और पकड़ ली।
तो बाकी थोड़ा निक्की भी खाने लग गई। फिलहाल चलो खाना पीना बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या। बाय बाय। अभी उम्र के करना है नैनो को। हेलो दोस्तों, आज है नया दिन, दोपहर के 12 बज गए, अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। आज मौसम सुबह भी ख़राब नहीं था, बहुत अच्छी धूप थी। फिलहाल आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा है, और मैंने इतने सारे कपड़े धोए आज, थोड़े कल धोए नहीं थे तो आज मैंने सारे मशीन में डाल दिए, तो इतने सारे कपड़े धोए। और पूरे 1 साल बाद निक्की आज गई है अपने नए घर में, क्योंकि पिछली बार हमने उतार दिया था, गर्मियों में ऐसा होता है, अब ठंडियों में धूप सेकती है तो ना। निक्की आजकल बहुत काली भी हो गई है, सांवली हो गई है बहुत, क्योंकि धूप में बैठे रहती है। मैंने सोचा इसके लिए घर बना देती हूँ, तो इसका घर भी बना दिया मैंने। सुबह इसने पापा से, कल से कह रही थी लेकिन इसके पापा से बना नहीं सुबह, फिलहाल मैंने बना दिया। अभी निक्की यहाँ पे आराम से होमवर्क भी करेगी और लेटेगी भी ना जी। कैसे, किसने बनाया घर? पापा से तो हुआ नहीं सुबह, निक्की के पापा भी लगे पड़े थे, हुआ नहीं कुछ। तो अभी मेरे से हो गया, बड़ी मुश्किल से आगे से प्रैक्टिस कर रही थी निक्की, कल से चिल्ला रही थी। मैंने कहा ठीक है, धूप में रहती है, हम लोग धूप में ही ज़्यादा बैठते हैं, तो अगर घर लगाऊंगी तो थोड़ी सांवली कम होगी, वैसे भी काली बहुत ज़्यादा हो गई है, धूप में ही रहती है ना दिन भर, तो छत में यहाँ पे चारपाई में सोती है, धूप में ही सोती है, तो इसलिए मैंने कहा ये लगा देते हैं। अगर ज़्यादा धूप लगेगी तो इसके ऊपर हम जैसे दुपट्टा डाल देंगे ना, हल्की धूप चले जाती है फिर अंदर, तो गर्मी रहती है, तो बहुत मज़ा आ गया। निक्की अब सोएगी अपने घर के अंदर, बाकी इसको हम आराम से नीचे भी कर सकते हैं। ये नैनो हमारी छिप भी जाएगी और धूप भी सेक लेगी, इसकी खुशी से होमवर्क भी कर लेगी, तो ये है। बाकी आओ आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर चलो शाम को घूमने जाएगी नैनो, अगर शाम को क्या पता घूमने जाए, जाए नहीं जाए देखेंगे। फिलहाल कल जो काम किया था वो मैंने दिखाया, बाकी आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, बहुत तो क्या मतलब हमने पहने हुए, कुछ सारे कपड़े धोने थे कल। कल मौसम ख़राब था ना, कल हमने धोया नहीं, लेकिन इस बार उतना ठंडा भी नहीं है। इस बार देखिए मौसम इतना क्लियर है ना, यहाँ से देखिए एक बादल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैक्सीर का महीना लगा है, मैक्सीर के महीने थोड़ा बहुत ठंडा होता है। मैंने कितनी प्यारी लग रही है अपने घर के साथ, और खुश भी बहुत है। वाह, अब घर में सोएगी ना? ना तुम भी मैं भी, हाँ भी ओके ठीक है। तो हम सोएंगे और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, साथ ही चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।